पंचायती चोणां वाले पासे साह लै के अगली जिहड़ी है उह जिवें कहिंदे चौथी ला दईए शुरू कर दईए। जिमनी चोणां आ गईआं ने ते मिंटू जी उधर भी कहिंदे सैल्फ सुल्फ वजन लग गया, तैयारियां होण लग गईआं, जिवें तुसीं कल ही कह रहे सीगे कि कह देना भाई घरे नहीं बैठना, आ जाओ नाल दी नाल। ते हुण फिर किधर तैयारियां शुरू हो गईआं ने, किहड़े पासिओं सरगर्मियां शुरू हो गईआं ने जी? हाँ जी, गल ये कि सरगर्मियां तो यह पता ही सीगा कि जिवें महाराष्ट्र ते झारखंड इलैक्शन ऐलाने जाणगे जी, तिवें नाल दी नाल इह ज़िमनी चोणां जिहड़ियां मुकर्रर हो जाणगीआं। बिल्कुल। हुण रौला इस गल दा है कि पार्टियां कोल बहुत घट समा बचिया, क्योंकि उन्हां दी एनर्जी सारी कहिंदे इक वारी डाइवर्ट हो के इधर आ गई जी। ज़िमनी चोणां च पहलां प्लैनिंग चल रही सीगी, गतिविधियां चल रही सीगियां, पर जिवें ही यकदम एक काली दे विच ऐलान होया, काली च अमल होया जी, तां जिहड़ियां सियासी तनजीमां सी उन्हां ने सारी ऊर्जा इधर झोंक दित्ती। बिल्कुल ठीक है जी। हुण मसला जिहड़ा है वह यह आ कि दोबार तो फिर जित्तां दी खुशी चों जी ते हारां दे गम चों बाहर निकलना पऊगा इन्हां चार ज़िमनी चोणां ते तनजीमां नूं केंद्र तों होण वास्ते। बिल्कुल। शुरुआत आपां कर लईए साहब गिदड़वाहा तों। गिदड़वाहा रहेगा हॉट, हॉट कह लो या कह लो सुपर हॉट जी, सुपर हॉट, क्योंकि बंदे इत्थे कई सारे तगड़े तगड़े ने, है ना, तगड़े तगड़े नाम इहदे विच ने, आ घरों भी तगड़े ने सुख जी, घरों भी तगड़े पर्सनैलिटी हुण ते राजा वडिंग भी तगड़ा ही है, सिद्धी गल है, वडिंग भावें गुस्सा ही कर लवे पर हुण ओह राजा वडिंग ओह नहीं है, सोते दा भाणजा आम जिहा भाणजा नहीं हैगा जी जी, हुण ते ओह भी तगड़ा ही है भाई, सही गल आ कि वडिंग भी तगड़ी पार्टी, ढिल्लों भी तगड़ी पार्टी, उधरों दूजे ढिलों बादल होरी वह भी तगड़ी पार्टी, यानी मतलब कि तगड़िया पार्टियां ने साहब। गल आ कि गिदड़वाहा दे विच हिलजुल हुई है राती हो गई जिवें ऐलान होया, तुसीं कल ही दस्सिया सी कि भाई अज तो शुरू हो जाणा, हो गया सचमुच दिन ही लंघिया। हुण देखो उत्थे की आ कि जिस तरह दो चीज़ां ने सर, कि बई एक तो सुखबीर सिंह बादल का फैसला श्री अकाल तख्त साहब तो आना बाकी है जी, उधरों वलटोआ साहब वाला विवाद वध रहा, उन्होंने मैं विवाद इस करके कह रहा कि तुसी देखे होना विरसा सिंह वलटोआ ने जिस तरह अस्तीफा दे के एक मोर्चा खोल दिता गया नहीं हरप्रीत सिंह दे खिलाफ जी, खास तौर पर वो विवाद इन्ना ज़्यादा भग गया कि कल नू मेरे ख्याल दे नाल सिंह साहब दे नाल अकाली दल दे वफद दी एक मीटिंग होने जा रही है, समा शायद मिल गया 11 बजे दे आसपास दा, जिन्ना को मैं पढ़िया सुनिया। हुण दूजी गल है, दूजी गल है कि सुखबीर सिंह बादल दे संदर्भ च एक खबर आ रही है कि इन्हां दी वड्डी बेटी दी मैरिज है, दो चीज़ां हो गई जी, एक तो घर दे विच हुण तुहानूं पता कि बई वड्डे घरां दीआं वड्डीआं मिर्चां। बिल्कुल बिल्कुल। असीं ते अगे मैं ते मेरा दोस्त गल्लां करदे सीगे जी, जदों इह खबर निकल के आ रही ते उह कहिंदे यार मुंडा इन्हां नूं छेती लभ गया, अपने एरिया पता ना भी बई घर परिवार पढ़ाई लिखाई ते दौलत सब कुछ देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओ मैं कहा भाई लभण ते आईए ते सब कुछ लभ जांदा, इक कल्ला वारदा हण प्रवान हुंदा, इक घर दा हण प्रवान भी हुंदा, हां ते निजी गलबात हो रही सी जी यार एडी छेत, क्योंकि बच्चियां छोटियां छोटियां ते देखियां ने अपने इलाके च, ते गल इह आ कि चलो खैर हुण इक तां उन्हां दा फैमिली समागम कह लो जी, विआह कोई छोटा नहीं होएगा, धार्मिक तौर ते उस वेले कह लो कि असीं तरसेम सिंह मोरां वाले नूं वेख्या, इन्हां दा मंच सजाया गया सी, तो गल इह कि इक ते उन्हां दा अपना निजी कह लो कि समागम आ गया, दूसरा धार्मिक तौर ते जी जी ये विरसा सिंह वलटोआ हो रहा है नहीं इंकशाफ किया, उस तो बाद ही ये चर्चा चली है, मैनू नहीं पता कितने, क्योंकि निजी जिंदगी आप बहुता जानते भी। बिल्कुल जी। मतलब कि जे उन्हां दी गल आप मनीए विरसा सिंह वलटोआ हरां दी तो शादी नेड़े है, सानू भी उन्हां दी कॉल आ गई सी क्योंकि कल उन्होंने चुकया नहीं सी, उन्होंने अपने कोल भी ये गल कही आ तस्दीक की आ कि हाँ जी सुखबीर सिंह, मैं उचेचा पुछया कि बई कितने गल्लां दे प्रवाह दे विचों ते नहीं गल निकल जी जी, क्योंकि निजी मसला है, असीं संकोच करदे आं निजी गल्ल, हां बिल्कुल जी, उहनां दे परिवार दी अपनी निजता है सर, असीं उहदा सन्मान करदे आं, इज्जत करदे आं। बिल्कुल। तां गल इह आ कि बई हुण
जे तुसी देखोगे तो भाई इस मसले पर आप जो देखते हैं कि धार्मिक तौर पर तो निजी तौर पर थोड़ा जहा बई मामला पचीदा लगता है। तो मैं वैसे भी तुहानू कहा सीगा जी, मैं तुहानू वैसे भी कहा सीगा कि साहब इउं लगता है कि सुखबीर सिंह बादल ते मनप्रीत बादल चो एक बादल चोण लड़ेगा। मनप्रीत बादल ते तय हो चुके ने जी, उन्हां दीआं गतिविधियां, उन्हां दा जिहड़ा नैटवर्क है, स्लीपर सैल है जी, सब कुछ हाँ बिल्कुल संकेत पक्के पक्के जे मिल ही रहे लगभग। हाँ जी, मौलिया दस दे पक्के पक्के चोन लड़नी है। जी जी बिल्कुल, मौलिया दस दे इन्हां नूं कि पक्की पक्की चोन लड़नी है। इहदा मतलब कि सुखबीर सिंह बादल जे दोए चीज़ां आपां देखिए जी, जो धार्मिक तौर पर मसला है, क्योंकि हाले उहदे ते सिंह साहिबान कह रहे ने कि विद्वानां दी जां जथेबंदियां दी राय लई जाऊगी जी, उस उपरंत ही कोई फैसला किया जाऊगा। बिल्कुल, यानी हाले वो लटकवीं तरीक है, कोई पक्की नहीं है। इधरों तो यह साफ है कि ज़्यादातर इमकान इस गल का है कि मनप्रीत बादल इलेक्शन लड़नगे, सुखबीर सिंह बादल हुरी हो सकता है कि कैंडीडेट देन। हाँ, तो कैंडीडेट दे रहन, बिल्कुल जो सामने आएगा जी सबना पता लग जाएगा, तो चर्चा होनी। बिल्कुल बेशक। इधरों एक खबर होर आ गई कि राजा वड़िंग एक्टिव हो गए ने। राजा वड़िंग ऑन द रिकॉर्ड ये गल कह चुके हैं कि जे सुखबीर सिंह बादल आऊगा तो मैं भी आ जाऊँगा, पर जे नहीं तो वो छड़ना नहीं चाहते दावेदारी जी। दसते हैं कि बीबी अमृता वास्ते वो भी कह लो कि कितने ना कितने यतन आरंभ चुके आ जी। वैसे वो प्रधान ने उन्हां दी भाई गांधी फैमिली च भी वक्त हैगी जी जी, पर वो चाहते इच्छा रखते हैं कि ये जिहड़ी गिदड़वाह दे विच मैं अपने आप नूं भाई एक वड्डी कामयाबी दित्ती आ, वो हुण ऐ थाली च सजा के कोई होर ना लै जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हुंदा ही है जी, अपना एरिया जिवें कह लो पूरा हक मानदे आ। फिर राजस्थानी वाला गीत गाया मेजर राजस्थानी दा, मेहने मार दे जुंडी दे यार मेरे टीसी दा बेर कोई होर लै, इत्थे टीसी दा बेर, टीसी दा बेर भाई इहनां दी झोली च तां कोई झोली च पिया ही ना लै जावे। दूजी चीज़ के ढिल्लों साहब आउंदे आ कि नहीं आउंदे, इह ते हुण क्योंकि मान साहब दा जिहड़ा वक्त उस वेले सी ज्वाइनिंग करवाउण वाला जी, उदों कुछ होर सी, ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਬੇਜਾਨਮਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੀਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਪੁੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ 2+2 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 2+2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2-2, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਬੰਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਸਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧੇਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ,
ਉਹ ਅੜੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਂਹ ਤੁਰੇਗਾ।